मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उस बिहार आपका फोटो तो समझे मंत्री बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनने के बाद से मंत्रियों को लेकर विवाद जारी है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेता कई सरकार के मंत्रियों पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पिछले दिनों मंत्रियों के क्राइम रिकॉर्ड और शिक्षा को लेकर बीजेपी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस बीच सरकार के मंत्री और गया जिले के बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव ने भाजपा को फिर से मौका दे दिया है। सुरेंद्र यादव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। दरअसल सुरेंद्र यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने मंत्री सुरेंद्र यादव का ये वीडियो ट्वीट करते हुए उन पर तंज कसा है। इस वीडियो में मंत्री मीडिया के लोगों से बात करते दिख रहे हैं। वो अपने काम और व्यक्तित्व के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इस बीच उनकी बगल में बैठा एक शख्स मंत्री जी को कुछ समझाने लगता है, जिससे मंत्री जी झुंझला जाते हैं और गाली दे देते हैं। गया जिला में जो भी दिक्कत होगा तो ये सारी बात मुख्यमंत्री को बता भी देंगे और लिखित भी देंगे। जो समस्या है तभी समाधान होगा। काफी लोग जानता है और इस पर इंटरेस्ट नहीं लेता, पर हम इंटरेस्ट लेते हैं। हम नहीं इंटरेस्ट लेते तो हमारा लंबा पारी खेलने का अवसर नहीं पता मिलते। लंबा पारी खेले हैं इंटरेस्ट ले लेकर और फिर हम इंटरेस्ट इस पर रख लिए हैं। आगे और कोई आपके आदेश है कुछ पूछना है तो बोलिए। मगध प्रमंडल में ये तो अच्छा बात रहे, उस बिहार आपका फोटो तो समझे मंत्री जी। निखिल आनंद ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, सुरेंद्र भाई मंत्री हैं और उनकी मंशा ठीक है, इंटरेस्ट भी लेते हैं, लेकिन ई जो बुड़बकवा आपको सिखा रहा था लाइव पीसी में, बताइए इसको समझ में ही नहीं आता है कि मंत्री जी को पब्लिकली ज्ञान नहीं देना चाहिए। मंत्री जी ठीक बोले, फोटो खिंचाओ लेकिन ऐसे ज्ञान मत दो। नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव गया जिले के बेलागंज से विधायक हैं। वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। सुरेंद्र यादव पिछले 30 साल से बेलागंज के विधायक हैं। उनकी पहचान एक दबंग विधायक की है और बिहार की राजनीति के ताकतवर चेहरे के रूप में उनकी गिनती होती है। इलाके में हर तरीके से अपनी राजनीतिक छवि मजबूत रखने वाले सुरेंद्र यादव को हर बार जीत ही मिली है। सुरेंद्र यादव के ऊपर 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहली बार 1991 में चर्चा में आए जब लोकसभा चुनाव के दौरान गया कलेक्ट्रेट के सामने तत्कालीन कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक जय कुमार पालित को पीटने का उन पर आरोप लगा था। दूसरी बार चर्चा में तब आए जब जहानाबाद के सांसद रहते हुए लोकसभा में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से महिला बिल की कॉपी लेकर फाड़ दिया था। इस अशोभनीय व्यवहार के कारण सुरेंद्र यादव की काफी किरकिरी हुई थी। बता दें, नई सरकार बनने के बाद आरजेडी कोटे के मंत्री विवादों में छाए हुए हैं। सबसे पहले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर अपहरण केस में सरेंडर करने के बजाय शपथ ग्रहण करने के आरोप लगे। इसके बाद कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को चावल गबन और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को कारतूस रखने के मामले में घेरा गया। साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वन मंत्री तेज प्रताप यादव भी सरकारी बैठक में अपने परिवार वाले और करीबी के साथ नजर आने पर विवादों में आए। अब सुरेंद्र यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उस बिहार आपका फोटो तो समझे मंत्री जसराज जी।